Hey everyone, my name is Tanvi. Hope you are all doing well. Welcome to my channel. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी एसेंशियल चीज़ें जो कि आपको एक न्यू बॉर्न के लिए चाहिए रहेंगी. सो बिफोर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग फॉर अ न्यू बॉर्न, डू गिव दिस वीडियो अ वॉच सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर लिटिल वन. Without wasting any more time, let's dive into the video and see what all we have for a newborn baby's essential. So guys, शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमें बेबीज की शॉपिंग के लिए ख्याल आता है वो आते हैं कपड़े. बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट कपड़े बेबीज के लिए, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्फर्ट. तो बेबी के कम्फर्ट के लिए आप ऐसे कपड़े लें जो कि बहुत जेंटल हों, बहुत सॉफ्ट हों, तो फर्स्ट ये. और सेकेंडली ऐसी कोशिश करें जितने ज़्यादा आपको फ्रंट ओपनिंग वाले कपड़े मिले उतने ही बेटर, क्योंकि फ्रंट ओपनिंग से कपड़े पहनाना बेबी को बहुत आसान होता है. जैसे कि ये टी शर्ट मेरे पास है मेरे बेबी की, तो इसमें फ्रंट ओपन बटन हो या फ्रंट ओपनिंग में आपके पास में कुछ फ्लैप हो, रिबन्स हो या टाई करने के लिए नॉट हो, तो जो भी इस तरह के कपड़े होते हैं वो पहनाने में भी बहुत आसान होते हैं और बहुत कम्फर्टेबल होते हैं. ये टी शर्ट है फ्रॉम फर्स्ट कराए, तो ऐसे कपड़े आपको हर जगह मिलेंगे. तो अभी कोशिश करें, कंफर्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गो फॉर, एंड सेकेंडली जो फ्रंट से ओपन होते हैं तो वो कपड़े आप चूज करें. नाउ डू यू नो दैट बेबी स्लीप फॉर अराउंड 15 to 18 hours इन अ डे, तो उनकी अच्छी नींद के लिए आपको इंतज़ाम करना होगा उनकी प्रॉपर बेडिंग का. तो बेडिंग आप पे डिपेंड करती है कि अगर आप उनको क्रिब में सुलाना चाहते हैं या अपने बेड में ही साथ में सुलाना चाहते हैं. बहुत ही केसेस में आपको जो चाहिए रहेगी वो इनकी एक प्रॉपर बेडिंग चाहिए रहेगी. तो बेडिंग के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ऐसी बेडिंग लें जिसमें थोड़ी सी बाउंड्री भी हो, सो दैट एटलीस्ट अगर आप अपने साथ भी उन्हें सुलाते हैं सो यू नो वेयर द बॉर्डर इज. और सेकेंडली ऐसी जिसमें मस्कीटो नेट भी हो. तो आई वुड सजेस्ट यू बाय अ बेडिंग दैट ऑल्सो हैज अ मस्कीटो नेट, जिसमें आप बेबी को आराम से सुलाएं और मस्कीटो नेट से कवर कर दें. सो यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि कोई भी मस्कीटो या फ्लाई उसके आसपास नहीं जाएगा, तो बेबी भी पीसफुली सोएगा एंड यू विल बी ऑल्सो सॉर्टेड. तो हमने बेडिंग तो ले ली, उसके बाद पिलो की बात आती है. तो पिलो हमें शुरू के दिनों में ज़रूरत नहीं रहेगी, जब कुछ टाइम बाद एक आध महीने बाद हमें पिलो की ज़रूरत रहेगी तब हम राई का पिलो यूज़ करेंगे. तो आप इंश्योर करें कि आप जब भी पिलो लें तो बेडिंग्स के साथ कुछ पिलोज तो ऑलरेडी आते हैं, बट आप राई का पिलो ज़रूर इंक्लूड करें जब भी बेबी की शॉपिंग करें. तो राई का पिलो डू नॉट फॉरगेट. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ चॉइस बिटवीन डाइपर्स एंड कॉटन नैपीज. तो मैं मेरी बेबी के लिए मोस्टली यूज़ करती थी कॉटन नैपीज, बट टाइम टू टाइम हम लोग को इन दोनों चीज़ों के बीच में स्विच करना पड़ता है. जैसे कि जब भी हम लोग बाहर जाते थे तो आई यूज़ टू यूज़ डाइपर्स ऑल्सो, तो जब हम घर पे रहते थे तो आई यूज़ टू यूज़ कॉटन नैपीज. कॉटन नैपीज के अपने एडवांटेजेस हैं, वो बहुत सॉफ्ट रहती हैं, जेंटल ऑन बेबी स्किन, तो कभी भी रैशेज डेवलप नहीं होंगे. बट उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो तो आपको पता ही होगा, वो लीकेज प्रूफ नहीं होती हैं. तो उसके लीकेज से बचाने के लिए आपको बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें और दूसरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको ड्राई शीट्स खरीदनी पड़ेंगी या मोम जामा जिसे हम कहते हैं. तो मोम जामा या ड्राई शीट्स आपको खरीदनी पड़ेंगी शॉपिंग के दौरान, अगर आप इंश्योर करते हैं कि आपको कॉटन नैपी ही यूज़ करनी है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी कॉटन नैपीज ही यूज़ करें, उससे बेबी को कभी भी रैश डेवलप नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और सबसे बड़ी बात, हम कॉटन नैपीज कितनी लेके रखें, तो इनिशियली बेबीज टेंड टू पी एंड पूप अ लॉट मेनी टाइम्स, तो आप इंश्योर करें कि आपके पास 20 to 25 नैपीज अवेलेबल रहें एट ऑल टाइम्स, तो आप काफ़ी सारी परचेज पहले से ही करके रखें. Now very important thing for your baby is going to be a swaddle blanket. तो swaddle blanket से क्या होता है, हम baby को सब तरफ से अच्छे से wrap करते हैं जिससे वो अच्छी nap लेते हैं, काफ़ी long duration की nap लेते हैं, उनको काफ़ी comfortable और cozy महसूस होता है, just the way they used to feel in a mother's womb. तो स्वाडल ब्लैंकेट एक मस्ट है. आप स्वाडल ब्लैंकेट रेडीमेड भी ले सकते हैं या कुछ भी प्योर कॉटन का फैब्रिक जो स्क्वायर में कटा हो और उसको ट्रायंगल बना के हम लोग जो बेबी को रैप करते कर सकते हैं. तो आप कुछ भी तरह का स्वाडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका स्वाडल इंक्लूडेड ज़रूर है शॉपिंग.
अब हमें बेबी को टाइम टू टाइम वाइप करते रहने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए रहेंगी, जैसे कि वाइप्स, या आप वाइप्स की बजाय यूज कर सकते हैं कॉटन बॉल्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं वॉश क्लॉथ्स और नैपकिन्स। तो वॉश क्लॉथ्स और नैपकिन्स फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो कि आपके पास रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। काफ़ी सारे बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत बार वॉमिट करते हैं, स्पिटअप्स करते हैं, तो वो सब क्लीन करने के लिए मिस, तो आपको नैपकिन्स बहुत हैंडी रहेंगे। तो काफ़ी सारे नैपकिन्स आप ले के रखें, वॉश क्लॉथ्स, जो कि बहुत यूज़ आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं फीडिंग बॉटल्स की। सो वेदर यू आर गोइंग टू ब्रेस्ट फीड और नॉट, फीडिंग बॉटल्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता इफ थिंग्स गो एज पर प्लान और नॉट। दैट्स व्हाई फीडिंग बॉटल इज मस्ट, और शुरू दिन से ही आप अच्छी क्वालिटी की फीडिंग बॉटल्स अपने पास रेडी रखें। नाउ फॉर अ फैक्ट, व्हेन बेबीज आर बॉर्न उनके बहुत ही शार्प और लॉन्ग नेल्स रहते हैं। आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, बट येस, ये मेरे लिए बहुत न्यू चीज थी। तो जब बेबीज के बड़े बड़े नेल्स हैं और बहुत शार्प हैं, तो आपको उनको कट करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो उसके लिए इंश्योर करें कि आपकी शॉपिंग लिस्ट में एक नेल क्लिपर हो, जो कि स्पेशली मेड फॉर बेबीज हो, जो कि बहुत टाइनी हो, जिससे कि बेबी को प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट जब हम कट करें। तो नेल क्लिपर जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज अ हैंड सैनिटाइजर। अब हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप अपने हैंड्स वॉश करें फिर ही बेबी को टच करें, तो कीप अ हैंड सैनिटाइजर विद इन योर रीच, ताकि जब भी आपको बेबी को कुछ चेंज करना है या कुछ करना है, तो आप फटाफट हैंड सैनिटाइजर का यूज करें एंड यू आर गुड टू गो। अब हम लोग जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो आते हैं बेबी के मसाज रूटीन और बेबी के बाथ रूटीन से रिलेटेड। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे, कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ मेरे बेबी की मसाज के लिए। टिल नाउ आई हैव बीन यूजिंग इट। अभी मेरा बेबी अराउंड 1 ईयर का हो चुका है, और सिंस डे 1 हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्टली मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उसके बाथ रूटीन में, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ मीमी ब्रांड के। वो सारे काफ़ी ही जेंटल होते हैं और मुझे कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई करके देखें अपने बेबी के लिए। It for today's video. इस वीडियो में मैंने कोशिश की है इंक्लूड करने की वो सारी चीजें जो कि आपके न्यूबॉर्न के लिए एसेंशियल हैं सिंस डे 1। दिस वाज ऑल कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर कुछ भी चीज आपको लगता है कि मैं मिस आउट कर रही हूँ, तो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे अब देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।